दोस्तों फर्नीचर खरीदते वक्त जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, खासकर तब जब बजट कम हो लेकिन फर्नीचर आपको ठीक ठाक खरीदना हो। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे कि किस कंडीशन में किस लकड़ी का फर्नीचर आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर वन क्वालिटी की। तो नंबर वन क्वालिटी फर्नीचर में शीशम या सागवान को माना जाता है। ये नंबर वन क्वालिटी भी होती है और देखने में भी ये लकड़ी बहुत सुंदर होती है। और सागवान की तो कई वैरायटियां होती हैं, लोअर अपर कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अपर जो है सागवान में भी हाई क्वालिटी का जो होता है वो बर्मा टीक होता है, लेकिन वो बहुत कम आता है और बहुत हाई कास्ट मतलब रेट उसका ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है सस्ते में आ जाता है जो लकड़ियाँ, नींबू हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, लिप्टस हो गया, कई प्रकार की लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ बहुत सस्ती होती हैं। इन्हीं में जो है कन्फ्यूज आदमी हो जाता है कि शीशम सागवान का लें या फिर जो लोकल लकड़ियाँ हैं इनमें लें। तो इनमें क्या फ़र्क होता है दोस्तों? फ़र्क भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है। कैसे? आप अगर फर्नीचर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 10-20 साल यूज करने के बाद जो है उस फर्नीचर से आदमी बोर होने लगता है। और जो है लोकल लकड़ी में भी लेंगे, नींबू, लिप्टस, आम, बबूल, इनमें भी लेंगे ना, तो ये भी फर्नीचर जो है 20 साल से पहले हिलने वाला नहीं है। और सागवान तो मतलब बहुत चलेगा, और 20 साल के बाद भी जो है फर्नीचर में बोर होने लगता है आदमी। तो आप सागवान का लेते हैं या शीशम का लेते हैं तो हल्के भी सोफा लेंगे, एकदम हल्का भी लेंगे तो 20,000 से कम का आपको नहीं पड़ेगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है रिंकी प्लेन है, ये जो है आपको 20,000 में पड़ेगा। तो इससे सस्ता जो है शीशम और सागवान में मिलेगा ही नहीं। बाकी और भी सोफे हमारे पास हैं, ये देखिए पॉलिश हो रहा है, ये सिंगापुरी सोफा है, तो ये आपको 35,000 का पड़ेगा। सागवान में है, ये 35,000 का है, फुल हैवी सोफा है। लेकिन यही सोफा अगर दूसरे लकड़ी में लेंगे, अब ये मत समझिएगा सिर्फ 35,000 का ये है और इसके साथ दो चेयर ये है, तो 35,000 में पॉलिश और कुशन पूरा कंप्लीट आएगा। दो सिंगल है और एक थ्री सीटर है। और यही सेम सोफा अगर दूसरी लकड़ी में लेंगे, नींबू में, बबूल में, आम में, लिप्टस में, ये सब होंगे, तो इसका रेट एकदम आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब 35,000 का है तो आपको लगभग 18,000-19,000 में दूसरी लकड़ी का ये सोफा मिल जाएगा। तो आपके पास अगर बजट ठीक ठाक है तो आप शीशम सागवान का ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दुविधा ही नहीं है। लेकिन आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप लोकल लकड़ी में भी ले सकते हैं। इसमें सागवान शीशम में उसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है लाइफ में, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। और सुंदरता में जो है कुछ ज़्यादा अंतर होता है, मतलब शीशम सागवान देखने में सुंदर थोड़ा ज़्यादा लगता है, बाकी लोकल लकड़ियाँ जो है वो देखने में सुंदर कम लगती हैं। तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप जब उसको पॉलिश करवाएं तो पॉलिश वाले को 200-400 रुपये एक्स्ट्रा दे करके उस पर आर्टिफिशियल जो है ग्रेन्स बनवा दें, तो वो देखने में जो बिल्कुल सागवान के तरह ही लगेगा। अगर आर्टिफिशियल ग्रीन्स नहीं बन सकता है तो आप पॉलिश करवाएं तो नेचुरल ना करवाएं, उसको कलरफुल करवा लें, तो उसके नीचे पता नहीं चलेगा कि कौन सी लकड़ी लगी है और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो आपके पास पैसे कम है तो दूसरी लकड़ी में भी आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, 20 साल से कम हिलने वाला कोई लकड़ी नहीं है। बस ध्यान रखना है कि वो लकड़ी वाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लाल पार्ट उसमें होना चाहिए, 20 साल से पहले हिलेगा ही नहीं, चाहे वो लकड़ी कोई भी हो, सिर्फ एक जामुन की छोड़ करके कोई भी लकड़ी लगवा लें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।